हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरी और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स में क्या आने वाले दिनों में या फिर कल के दिन में संभावना बनती है, मुझे मार्केट डाउन लग रहा है या नहीं, आपको क्या लग रहा है, वो हम सच ही समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब मार्केट वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और जिस प्रकार से हम लोग आपके लिए काम करते हैं, उस प्रकार से आप भी चाहें तो हम उसका सदुपयोग उठा कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कि क्या बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन है दोस्तों, या निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेंड डाउन है। देखिए, डेली चार्ट पर देखोगे तो आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा कि दोस्तों नेगेटिव कैंडल एंड दिस बेरिश कैंडल। आप समझ लो कि भैया उसने पूरे के पूरे 2 दिन का माल, मतलब यहाँ के क्लोज से उसके पहले के लो तक के रेंज बना दिया दोस्तों। अब ये क्या रेंज ब्रीच होगा, तो शायद ये रेंज ब्रीच होता हुआ भी मिले और हमें नीचे के वापस से डाउन मूव्स देखने को भी मिले, तो वीडियो को अंतर देखिए देखिएगा। और ये सब क्यों होगा, उसके पीछे भी रीजन है। ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो आप नया कांड देख रहे हो ना, दिल्ली का, निजामुद्दीन का, ये सब इसी कांड से होगा दोस्तों। भले इंटरनेशनल में कुछ भी हो, इंटरनेशनल में तो आप देख रहे हो यूएस में मार्केट गिर रहे चढ़ रहे, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको इकोनॉमी की परवाह है, उनको इंसान की परवाह नहीं है। बट जहां इंसान की परवाह है वहां पर कुछ ऐसे कहते हैं ना, झंड लोग हैं जो कि अपनी अपने क्या समझते हैं, मतलब आप समझो कि क्या चाहते हैं वो लोग, किस वे में काम करना चाहते हैं। ये जो जो भी चीजें हो रही है, आप किसी के ऊपर पत्थर उठा के मार रहे हो, कभी आपने देखा है कि किसी जानवर के ऊपर भी अगर आप पत्थर मारोगे और अगर वो परेशान होगा ना तो सीधा अटैक करेगा दोस्तों। आप लोगों के ऊपर पत्थर मार रहे हो और उन लोगों को समझा, उन लोगों के को मार रहे हो जो कि आपको सपोर्ट करने आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो तो देवदूत है, या फिर वो कहे आपके धर्म या किसी और धर्म की भाषा में जो भी कहे, फरिश्ता कहे या और कुछ कहते हैं, तो वो मानो। अगर उन्होंने हाथ छोड़ दिया दोस्तों, तो जैसे ये स्टॉप लॉस कटता है ना, मार्केट धड़ाम से नीचे आता है ना, जैसे आपने एक कंपनी देखी होगी इंडिया निवेश, उसको अपना धंधा बंद करना पड़ गया इस कोरोना वायरस के चक्कर में, ये समझ लो। उसके सारे माल बिक गया है और वो ब्रोकिंग बिजनेस के साथ साथ उन्होंने निवेश का बिजनेस भी बंद कर दिया। तो जब वो हाथ खड़ा कर देंगे ना दोस्तों, तो वैसे ही दवा नहीं मिल रही है, झंड की तरह सब लोग घूमते फिरेंगे। तो भैया जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जी, उसको करिए, हिसाब न मांगिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कोशिश कीजिए। नहीं तो स्टॉप लॉस कटेगा ना, तो वो एक स्टॉप लॉस आपका या मेरा समय का नहीं होगा, लाइफ का होगा, फुल लाइफ वाइप आउट, पीछे के लोग रोते रह जाएंगे, साथ ही साथ और 2-4 लोगों को आप ये जख्म देके जाएंगे वायरस का, और वो भी क्या बोलूं मैम, ये सब वही लोग करते हैं कि जिनकी छोटी बुद्धि होती है, समझ रहे हो ना। बुद्धि भी बड़ी होनी चाहिए, विकसित बुद्धि के लोग होना चाहिए, पंचर सुधारने से ऊपर आएंगे तब, सब्जी बेचने से ऊपर आएंगे तब तो कुछ सोच पाएंगे। चलो, हम तो कम से कम भगवान की दया से समझदार हैं आप में। चलिए चलिए शुरू करते हैं और स्टे होम की प्रवृत्ति को फॉलो करते हैं और अपने परिवार को इस भयंकर बीमारी से बचाते हैं। चलिए, बाय कहाँ बनता है दोस्तों? देखिए, बाय बनता है 8, 3, 5 और 10 के ऊपर। दोस्तों वर्ल्ड में ये कहा जा रहा है कि दिस इज द सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी त्रासदी है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट वुड बी 41, 8450। व्हाट इज योर स्टॉप लॉस? योर स्टॉप लॉस इज 2, 8 through 20। ओके, यू कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ट्रेल योर प्रॉफिट। ओके, दिस इज बाय कॉल। सेल कॉल क्या है दोस्तों? सेल कॉल क्या है दोस्तों? मेहरबानी करो और लोगों को समझाओ, लोगों को बचाओ दोस्तों। 8230 के नीचे सेल करना है। व्हाट इज योर टारगेट? सेल टारगेट इज 8200, 8180, 8150 एंड 8100 इज द प्रोबेबली नेक्स्ट टारगेट, बिकॉज जब छटकेगा ना तो बहुत तगड़ा टूटेगा ये, ठीक है? 8000 के लेवल भी आसानी से आ जाएंगे। अगर ये मार्केट ही डाउन हुआ तो फिर आप बाय के समय या फिर सेल ऑन राइज में अगर वापस ये लेवल मिलते हैं तब आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा, स्टॉप लॉस कहाँ लिखा था भैया? 8390।
10 के ऊपर में, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल है, मेहरबानी करो, लोगों की सेवा करो, सद्भाव से सेवा करो, और कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो करो, क्योंकि 80 GB सपोर्ट दे रहा है आपको। स्वार्थी तो बनती ही दुनिया, पर आप किसी का सहयोग करोगे तो उसमें आपका स्वार्थ भी है, आपको केयर फैसिलिटी मिल पाएगी जब वो पैसा कंट्रीब्यूट होके इकट्ठा होगा तो, और सदुपयोग समय का हो जाएगा कि आपने किसी की हेल्प कर दी अगर ये परेशानी अगर आपको और मेरे को ना आती है तो भगवान बहुत देगा। और ये अपेक्षा छोड़ दो कि भगवान देगा, क्योंकि हम इतना ट्रेड कर में कॉल देते हैं, कोई घर पे आके पैसा नहीं देता है, वो सब लेके चले जाते हैं, तो मुझे कुछ देता नहीं है। तो चाहे बोले मेरे कमाई से 500 रुपए 1000 रुपए भी किसी की पॉकेट में जा रहा है, दिस इज वन काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी, बट ही इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ हेल्प टू मी, ओके, बट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ, आप भी करो।